राणा राजपूताना चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। ऐसे एक संदेश भेज दिया कि देश धर्म और न्याय की रक्षा के लिए जो राजवंश आना चाहते हैं वो यहाँ माउंट आबू पर आए, और इस माउंट आबू पर एक अग्नि के द्वारा जो शुद्धिकरण किया जाता है, अग्नि के अंदर आपने देखा होगा अपन ताबीज लेते हैं, कोई संत देता है, तो उस ताबीज को जब कहीं गमी में जाने के बाद वो खराब हो जाता है तो हम दीपक के आगे उसको चलाते हैं, हम धूप के आगे चलाते हैं और हवन करते हैं, और हवन में भी उसको शुद्धिकरण करते हैं। ऐसे ही चार राजाओं को, जिनमें एक थे प्रतिहार, दूसरे थे परमार, तीसरे थे चहमान और चौथे थे चालुक्य। चालुक्य चंद्रवंशी राजाओं में से आए, और चौहान, परमार और प्रतिहार सूर्यवंशी राज परिवारों से आए, लेकिन चूंकि उनसे अलग करना था बौद्ध और जैन मत वाले साधुओं से, राजाओं से, तो इन्होंने इनका नाम रख दिया राजपुत्र, क्योंकि राजाओं के पुत्र तो थे ये चारों, तो राजपुत्र नाम से। ये राजपूतों की उत्पत्ति यहां से बताई जाती है, पृथ्वीराज रासो के उसमें ये वाला भाग इनको दे दीजिएगा उसमें से निकाल के। यस प्रताप, अब बात आती है कि पृथ्वीराज रासो में राजपुत्र शब्द आ गया, फिर ये राजपूत कब बन गया? भाई संस्कृत शब्द क्या पुत्र का, हमारी देसी भाषा में पुत्र कहते हैं, हमारे यहां पोता कहते हैं पोत्र को, और पोती कहते हैं पोत्री को, और पितृ को कहते हैं पिता, भ्रातृ को कहते हैं भाई, ऐसा ही है ना देसी भाषा के अंदर। और अब तो आप पंजाब के बॉर्डर पे खड़े हैं, यहां तो पुत्री कहा जाता है, कहा जाता है ना, पुत्र कहा जाता है या पुत कहा जाता है। इसी प्रकार से राजपूत शब्द हिंदी अर्थ है, ये बात हमारे गुजर भाई भी मानते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद में की, उसमें माना कि राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र शब्द का पर्यायवाची हिंदी अर्थ शब्द है। तो यहां तो उनमें और हम में कोई मतभेद नहीं है। अब बात आती है कि राजपूत कालखंड 7वीं से 12वीं सदी का है। शक, सीथियन, हूण और कुषाण और अरब, इनको मार भगाने वालों में सम्राट हर्षवर्धन बैस भी थे। सम्राट हर्षवर्धन बैस जब सम्राट बने तो उनके पिता महाराज प्रभाकर जीवित थे, और राजपूतों में एक रिवाज है क्षत्रियों में, पिता के जीवित, अभी मैंने मेरा नाम बताया था कुंवर राजेंद्र सिंह, पिता के सर पर आशीर्वाद होते समय वो अपने नाम के आगे ठाकुर, राजा, महाराजा, राणा नहीं लगाता, बल्कि राजपुत्र लगाता है, जिसका राजस्थानी भाषा में अर्थ होता है कुंवर, वो लिखता है कुंवर, इससे मतलब पता चलता है कि उसके पिताश्री जीवित हैं। हर्षवर्धन के पिताश्री महाराज प्रभाकर जीवित थे, इसलिए उसने अपना नाम क्या देखा, सम्राट राजपुत्र हर्षवर्धन, ताकि लोगों को यह जानकारी रहे कि सम्राट तो है पर महाराज प्रभाकर का आशीर्वाद अभी इसके ऊपर है। जब कोई राजा प्रसिद्ध होता है तो उसके टाइटल उसके सामंत भी लगाते हैं और उसके समकालीन राजा भी लगाते हैं। ज्यादातर समकालीन सामंत और राजाओं ने फिर अपने नाम के आगे राजपुत्र शब्द लगाना गौरव का प्रतीक समझा, और वहां से राजपुत्र शब्द, चूंकि एक तो अग्नि कुंड की उत्पत्ति के कारण राजपुत्र अलग लगा रहे थे जिससे जैन और बौद्ध जो राजा हैं उनसे वो अलग नजर आए, और दूसरा उन्होंने ये राजपुत्र की उपाधि को लेकर चले, तो वो राजपुत्र कालखंड कहलाया। अरब के लोगों पर पुत्र जैसे शब्द नहीं बोले जाते तो वो राजपूत कहने लगे। ये राजपूत कालखंड है जो 7वीं से 12वीं सदी के बीच में है। इस बात को भारत सरकार का नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी NMA है वो भी स्वीकार करता है, और भारत सरकार का जो पुरातत्विक विभाग है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, वो भी इस बात को स्वीकार करता है कि 7वीं से 12वीं सदी, और आपने भी बहुत से सभी का इतिहास विषय कंपल्सरी तो रहता ही है 10वीं तक 8वीं तक, राजपूत कालखंड जो है 7वीं से 12वीं सदी का है। राणा राजपूताना, राणा राजपूताना।